वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से फराज बुगटी से मुलाकात। कोटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। 14 की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। बलूचिस्तान में आवाम के जान व माल के तहफ़ के लिए किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल के दौरान मोहसिन नकवी की आम के लिए हर मुमकिन तआवुन जारी रखने की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी का मज़ीद इकदाम उठाने का ऐलान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 6 जख्मी। मारे जाने वाले दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों पर हलाकतों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंह समेत दीगर शख्सियात का शुमाली वजीरिस्तान में ख़वारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कोयटा से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को 11 नवम्बर से 5 रोज के लिए बंद करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंगरूज के देश में 22 साल बाद वनडे सीरीज जीतने के करीब। फतह की जाने पेशकदमी जारी। 141 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट का शानदार आगाज। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर डट गए। पाकिस्तानी बॉलर की तबाहकुन बॉलिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया की इनिंग 140 रन पर तमाम हुई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें उड़ाई। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। फजाई आलूदगी की वजह से मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा, पिशावर का तीसरा नंबर। लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 753, मुल्तान में 587, पिशावर में 463 रिकॉर्ड की गई। शदीद स्मॉग और धुंध के बाद मोटरवे M4 बंद। मोटरवे पुलिस का अलर्ट जारी। लाहौर में शदीद फजाई आलूदगी के बाद वस्ती और जनूबी पंजाब में बुरा हाल। मुल्तान समेत नवाही शहरों में फिजा जहर आलूद। आंखों, नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में इजाफा होने लगा। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फलस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारियत समेत मशरक वस्ता की सूरत हल पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म सागडार सऊदी अरब पहुँच गए। सागडार 11 नवम्बर को आईसी उज़रा खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।